अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको लर्न टू अर्न में हमारे की तरफ से खुश आमदीद। अच्छा दोस्तों, बहुत से लोग दराज पे या बाज़ात किसी भी अलीबाबा पे भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो समटाइम्स उन्हें रेजोल्यूशन प्रोडक्ट की रेजोल्यूशन सेट करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको सेट किया जाता है। अगर हम दराज पे सेट किया जाए तो हम क्या करते हैं कि बाज़ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर लेते हैं और उसको साथ ही ऐप पे या वो उसके कंप्यूटर पे पीसी पे उसको साथ ही उस प्रोडक्ट को अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि उसकी प्रॉपरली रेजोल्यूशन सेट नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने में या उसको रेजोल्यूशन सेट करने नहीं करनी आती, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम देखते हैं, छोटी सी क्लिप है और आज हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको, हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। जी, जब हम इसको देखते हैं कि जब हम ये वो इमेज है जो मैंने कंप्यूटर से अभी मोबाइल से ली है और साथ ही इसके साथ मैंने इसको अपलोड करने की कोशिश की है, मगर ये कितनी है, 3.35 MB की है। और अगर हम इस प्रोडक्ट की रेजोल्यूशन चेक करें जो मैंने सेट की हुई है, तो आपके सामने आया 264 KB है। तो अब ये इसको जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग जब करते हैं दराज पे, तो जब हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो ये देखें इसका क्या होगा, और अगर हम जब दूसरे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो उसका क्या बनेगा, इसका देखते हैं हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। ये आपके सामने दराज का, ये जब हम न्यू प्रोडक्ट का अपलोड करते हैं तो उसका ये पोर्टल है, आप उसको देखते हैं सेलर सेंटर का। तो आप अभी ये प्रोडक्ट अपलोड हो रही है, इसमें बेसिकली रेजोल्यूशन आपकी प्रॉपरली सेट होनी चाहिए और उसका साइज टू मच बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो वो प्रोडक्ट आपकी वो रैंक नहीं हो पाएगी और उसकी प्रोडक्ट अपलोड नहीं हो पाएगी। तो ये देखें, जब मैंने इसको देखा, ये देखें, ये वो वाली इमेज आई है जो मैंने मोबाइल से भी ली है और साथ ही वो कहता है इमेज साइज शुड नॉट एक्सीड 2 MB, ठीक है, अपलोड डिफरेंट इमेज। तो ये देखें वो वाली इमेज जो मैंने सेट की थी तो वो आ गई है, मगर ये वाली नहीं आई। अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट थी जिसको हमें लिस्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम ओपन करें पेंट में। बहुत आसान सा तरीका है, आप इजीली कर सकते हैं। पेंट में इसे ओपन करें, रिसाइज करें, ये देखें ये रिसाइज का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। रिसाइज का ऑप्शन है, ये पिक्सल सेट कर दें, ये देखें 3120 MB है पिक्सल, है 3120। आप इसको एडजस्ट कर दें 777 या 700 के पास इसको एडजस्ट कर दें। तो ये देखें, अब हम इसको देखते हैं कि ये और इसको सेव कर दें, इसको आप सेव कर दें। तो अब इसको प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। और देखते हैं कि क्या ये हमारे वो जो हमने सेट किया है कि उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि वो फाइल ज़रा हैवी होती है और बाज़ का इंटरनेट की स्पीड भी ज़रा स्लो आ रही होती है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट दराज पे या वैसे आपने रेजोल्यूशन सेट करनी हो तो बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने जस्ट उसको पेंट पे ले जाएं और रीसाइज के ऑप्शन में जाके उधर आप उसको अपनी रेजोल्यूशन जितना भी आप सेट करना चाहते हैं, आप अलीबाबा पे हैं या आप दराज पे हैं या वट एवर जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, या वैसे भी आपने भी कोई रेजोल्यूशन सेट करनी है तो आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें वो ही प्रोडक्ट है जो मैंने मोबाइल से ली थी तो वो अपलोड नहीं हो रही थी, मगर अब मैंने इसको इसकी रिसाइजिंग की है तो ये इसकी एडजस्ट हो गया और ये अपलोड होने के लिए तैयार है। तो आप भी इस तरह के कभी दराज पे कभी या कोई और भी हो, आपको कोई इशू हो कि प्रोडक्ट को लिस्ट करने में प्रॉब्लम हो कि वो उसकी वो रेजोल्यूशन की, तो आप सिंपली इसको इस पे किसी भी जा पेंट में जाके तो ये रीसाइज की ऑप्शन आती है, रीसाइज के ऑप्शन में इस पे आप पिक्सल को सेट कर सकते हैं। पिक्सल आप जिस तरह का भी आप चाहते हैं उसको इसको एडजस्ट करें, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, वर्टिकली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा दोनों में से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली कि आपके लिए ये फ्रूटफुल होगी। अल्लाह हाफिज़।